नमस्कार, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ द वंदे भारत न्यूज पोर्टल पे। गेहूं खरीद के लिए बनाए जाएंगे विभिन्न स्थानों पर केंद्र। पटौदी में कोरोना संक्रमण से बढ़ते हुए तनाव के बीच पटौदी के विधायक श्री सत्य प्रकाश चरावता जी ने आज अपने निवास गांव लोखरा से एक राहत भरी जानकारी देते हुए बताया कि पटौदी विधानसभा में पटौदी, हेली मंडी तथा फर्रुख नगर के अतिरिक्त अन्य 8 जगहों भोड़ा कला, जोड़ी कला, छिल्लर की, लोकरा, पहाड़ी खेड़ा, खुरमपुर, डबोदा तथा बिरहेड़ा मोड़ पर गेहूं खरीद के लिए केंद्र बनाने का आग्रह है आज जिला उपायुक्त गुरुग्राम श्री अमित खत्री से किया। जरावता जी ने पटौदी के व्यापारी मोहल्ला में सभी की स्वास्थ्य जांच कराने का आग्रह किया तथा उपायुक्त गुरुग्राम के माध्यम से क्षेत्र की तरफ से हरियाणा कोरोना कोष एवं प्रधानमंत्री कोष में विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं एवं उद्योगपतियों से 28 लाख की राशि भेंट की। जरावता जी ने कहा कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, हमारी सरकार किसानों के साथ हैं, किसान लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा। पहले हो चुके थे और अभी निश्चित तौर पे तो मुझे अभी जानकारी आई नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आंकड़ा और बढ़ा बताया और साथ के परसों हमने टेस्ट कराए हैं और हमने सबको आह्वान किया था परसों तक, कल की 9 तक, कल तक हमने कि सभी लोग जो बाहर गए हैं या जो जिनसे संपर्क में रहे हैं वो सब अपनी जांच करा ले। इसलिए कुछ लोगों ने जांच कराई है, लेकिन कल मैंने माननीय डी साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सीपी साहब से, इन सब से मिलकर, अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला साहब से मिलकर फोन पे बात करके निवेदन किया कि पटौदी के जो 3 मुस्लिम गार्ड है तीनों को सीज किया जाए और एक एक व्यक्ति की जांच हो। तो अभी जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वार्ड नंबर 11, उसको पूर्णतः सीज किया गया है और उसमें एक एक व्यक्ति की जांच हो रही है। और आज मैं माननीय डी साहब से भी मिला हूँ और मैंने निवेदन किया कि एक 11 वार्ड के साथ जो दूसरे वार्ड लगे हुए हैं उनके भी पूरी जांच हो, क्योंकि ये बड़ा दूसरा मामला हो गया है। लेकिन क्योंकि पटौदी की बात करें, ग्रामीण इलाका आता है, ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार यही कोशिश थी कि भी जो कोरोना का जो वायरस है वो ग्रामीण इलाकों में ना पहुंचे, उसकी को लेकर एक तैयारियां की गई थी। अब चूंकि पटौदी कस्बे में भी जो है पॉजिटिव पाए गए, तो ऐसे में इस बात की भी आशंका बहुत ज्यादा हो सकती है कि ये लोग आसपास के गाँव और दूसरे लोगों को भी ज्यादा संपर्क में आए, तो वहां उस सबको लेकर भी क्या कुछ तैयारी जो है की जा रही है ताकि इसको और ज्यादा फैलने से रोका जा सके। देखिए, सबसे बड़ी तैयारी तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने की हुई है, क्लोज डाउन की समय पे घोषणा की है। और हमारे गांव के लोग बड़े सचेत हैं, बड़े सजग हैं, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, दिन रात ठीकरी पहरे लगे हुए हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति गांव में आए नहीं, जाए नहीं। ये पिछले 20-25 दिन से हो रहा है, जिस तरह से जो माइग्रेटेड लेबर उनको खाना खिलाया जा रहा है। और आज भी मैं डी साहब से जब मिला तो हमने भी 28-30 लाख रुपए, कुछ 14 लाख रुपए उद्योगपतियों से और 14-15 लाख हमारे अपने साथियों से करके आज हमने दिए हैं और निवेदन भी किया है कि जो लगते हुए एरिया ना उनकी और जांच कराए और अगर आवश्यकता हो तो और हम कंटेनमेंट एरिया बढ़ा देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पटौदी के क्षेत्र की जनता को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में कहीं भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी और पटौदी के प्रत्येक गांव सेफ और सुरक्षित है, ये मैं आपके माध्यम से। और एक बात और, कई लोग चिंतित हो रहे हैं फसल के लिए, हमने कम से कम पटौदी के अंदर ही 15-16 जगह गेहूं की खरीद के सेंटर बनवाए हैं। आज वो डिस्चार्ज से मैंने वो भी चर्चा की है और ताकि हमारे जो किसान हैं उनको एकदम मंडी और उसमें भागना ना पड़े, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन ना हो, तो 4-4, 5-5 गांव पर हमने ये निर्णय लेके हमने वो भी किया है, क्योंकि हमने एक एक दाना खरीदना रहे हैं। वंदे भारत, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।